Excuse me. जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे देखते ही तुम्हारा हलक खुश्क हो गया। पानी पियोगी? नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ड्यूटी पर हूँ, आपको जो भी कहना है जल्दी कह दीजिए। अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी बताओ, बिरसा की नर्स तुम ही थी ना, वकार ने तुम्हें रखा था राइट? जी। गुड, तो फिर तुम जितना सच जानती हो उतना सच मुझे भी जानना है। सच? कौन सा सच? आप किस सच की बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा चलो तुम्हारे समझने के लिए मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ। बोलो सच बोलने के लिए कितना लोगी? ताओ घबराओ नहीं, देखो तुम्हारा राज राज ही रहेगा। आप कौन है, किस किस्म की बातें कर रही हैं? कैसा सच? ये राज राज मैं कुछ नहीं जानती, आप हटे यहाँ से। सुनो एंजेला अच्छे से सोच लेना, हम फिर मिलेंगे। हाँ हेलो अंजिला, सब खैरियत है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है। वकार साहब की जो दूसरी बीवी है ना, उसने हमें यहाँ भी देख लिया। कहाँ देख लिया? हॉस्पिटल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ। तुम उस हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मैं फिर साहब बीबी, मैंने आपके कहने पे हॉस्पिटल चेंज कर लिया था, मुझे क्या पता वो यहाँ भी पहुंच जाएगी। अच्छा ये बताओ उसने क्या कहा? उसने ये कहा है कि उसे सच जानना है। उसने मुझे काफी सारे पैसों की ऑफर भी की है। और विरसा बीबी, उसने कहा है वो मुझसे फिर से मिलेगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त भी वो हॉस्पिटल में है। हाँ तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी उसी हॉस्पिटल में हूँ। आप भी? सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगी। अच्छा मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। लेकिन सुनो, जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूँ तुम उससे कोई बात नहीं करोगी, ठीक है? जी जी मैं समझ गई हूँ। ओके okay.